अभी हमको नेक्स्ट टॉपिक जो समझना है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई नई बात आपके लिए नहीं है, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इसके पहले भी पढ़े हो और उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला कोई बता सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? जो फॉर्मूला आपको पता है बता सकता है कोई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड, आपने जो आंसर बताया बिल्कुल सही है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम फॉर्मूला यूज करते थे 8th स्टैंडर्ड में भी, 9th स्टैंडर्ड में भी। आपको कुछ न्यूमेरिकल से अगर थे तो आपने इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व किया था। अभी इस साल में कुछ अलग नहीं करना है हमको, हमारे पास फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। जैसे हमने जो मैंने आपको डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ाया था या फिर डिफरेंस वाला जो हमने लिखा था ना, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज कर लिया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले को ही कन्वर्ट करा के यूज करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बट अभी हम लोग उसका उतना डेरिवेशन करके नहीं बैठेंगे, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है आपके एनसीईआरटी के बुक में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 168 पे, उस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। फॉर्मूला है हाफ एक्स वन देन वाई टू माइनस वाई थ्री देन एक्स टू इन ब्रैकेट वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इन ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह का हमारे पास एक फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दूंगा, उससे आपको काफी अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे इसको यूज करना है टू फाइंड आउट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल सा कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और उनके लिए ये पॉइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है और इस ट्राइंगल को मैं नेम दे रहा हूँ ट्राइंगल ए बी एंड सी। ट्राइंगल आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? यस, ट्राइंगल विजिबल हो रहा है आपको अच्छे से? व्हाइट बोर्ड ये जो लिखी हुई चीजें सब बराबर दिख रही है? यस सर, वेरी गुड। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल्स के नाम मैंने दे लिए, ट्राइंगल के वर्टेक्स मेरे पास में है ए बी एंड सी। अभी क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ए के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए रहेंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा किसका एरिया क्या होता है, निकाल के दिखाओ। तो यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा उसका यूज करके हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एक न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के बुक में ही दिया है पेज नंबर 169 पे, वहां पे कुछ इसी तरह का एक ट्राइंगल दिया है और उसके वर्टाइसेस मुझको मालूम है। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ वर्टाइसेस आर 1-1 -4-6 एंड -3-5। तो यही वर्टाइसेस मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। जैसे ए के वर्टाइसेस मैं ले लेता हूँ 1-1 जैसे उसने बोला था। बी के वर्टाइसेस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -4-6 और उसके बाद सी के वर्टाइसेस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -3-1, ठीक है। तो जो उसने मुझे गिवन में दिया था वही सारी चीजें मैंने इस डायग्राम के अंदर शो कर दी। अभी वो हमसे क्या बोल रहा है, इसका एरिया निकाल के दिखाओ, ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ साइड थोड़ी ना पता है कि डायरेक्टली हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज कर ले, या फिर अगर आपको ये साइड्स पता होती तो आपने ये और भी फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट ईयर, याद है किसी को? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अलावा और आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था जिससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का? यस, तो हेरोंस फॉर्मूला भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो हेरोंस फॉर्मूले के लिए आपको ये तीनों साइड पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे तीनों साइड भी मालूम नहीं है। तो हमारे पास एक और मेथड है, डिस्टेंस फॉर्मूले से सभी के साइड निकाल लो उसके बाद हेरोंस फॉर्मूले से सॉल्व करो, बट वो आपके लिए काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफी हेडेक हो जाएगा सिर के पीछे, है ना। तो हमने क्या किया, सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेना है जो मैंने यहाँ पे भी लिखा, हाफ इन ब्रैकेट एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, उसके बाद y1 क्या है, y2 क्या है, y3। तो ये चीज कोई नई नहीं है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, जो हमें पॉइंट्स दिए होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं को हम x1 y1 इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो कोई भी पॉइंट से अब इसको स्टार्ट कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल ए से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो इसको बोल देता हूं x1, इसको बोल देता हूं y1, समझ में आ रहा है। अगर b के ले लू तो ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा y2, इसको मैं ले लेता हूं x3 और इसको ले लेता हूं y3। समझ में आएगा यहां तक जो मैंने ए बी सी को पॉइंट्स दिए हैं। यस, वेरी गुड। हमने ए बी सी ट्रायंगल के नेम दे दिए अपने मन से, जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो मैंने वहां पे लिख दिए, और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप एक्स वन वाई वन बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे ए को बोल दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ए के ही पॉइंट को एक्स वन वाई वन दोगे, अगर आप चाहते हो तो बी को भी एक्स वन वाई वन ले सकते थे, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी आंसर जो आएगा बिल्कुल सेम ही आएगा। तो मैंने ए वाले पॉइंट्स को x1 y1 ले लिया है, b को x2 y2 और c को x3 y3। अभी देखो मैं इसमें वैल्यूज पुट करके देखता हूं, हाफ की जगह पे मैंने हाफ लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास x1, x1 मैंने लिया है 1 को, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1, देन y2 minus y3, ये मेरा y2 है, ये मेरा y3 है, तो y2 minus y3 बोला है मतलब 6 minus y3 की वैल्यू क्या है, minus 5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यस और नो, समझ में आया, यस, वेरी गुड। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी x2 की लिखनी है, तो x2 देखो मेरा क्या है, x2 है मेरा माइनस 4, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं माइनस 4 इसको ब्रैकेट के अंदर, और इधर है y3 माइनस y1, तो y3 है मेरा माइनस 5, उसके बाद माइनस y1, y1 कौन सा है, माइनस 1 है, तो फिर से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से सामने करो, x3, x3 की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ माइनस 3, उसके बाद y1 माइनस y2, y1 है मेरा माइनस 1, माइनस y2 की वैल्यू प्लस में है, तो सिंपली प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको आप करो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा, करो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कि इसका एरिया कितना आएगा। यस, सभी लोग ट्राई करो। यस, 24 आ रहा है, 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। जिनका भी 24 स्क्वायर यूनिट आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए वो आना चाहिए 24 स्क्वायर यूनिट, इस तरह से हमने लिया है क्योंकि हमको सेंटीमीटर में है कि मीटर में है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी सिंपल इसी तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल 14, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझ लिया तो आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके रख लेना, जो आपका मैथ्स का रजिस्टर आपने किया है उसमें सभी चीजें जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो आपकी लिखी होनी चाहिए। जब नोटबुक चेकिंग होंगी तब वो सभी चीजों को मैं देखूंगा। देख, एक न्यूमेरिकल अभी हम लोग ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 14, इसमें देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उसने बोला है के की वैल्यू को फाइंड आउट करो इफ द पॉइंट्स ए 2 3 बी 4 के एंड सी 6 माइनस 3 आर कोलिनियर। उसने हमको दिया है ए 2 3 बी के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 के एंड देन सी के कोऑर्डिनेट्स उसको दिए हैं 6 माइनस 3, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कोलिनियर है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम लोग क्या करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यस एनीवन, बताओ। आकांक्षा ने बोला है लाइन, ठीक है, सही है। कोलिनियर है का मतलब क्या है कि वो तीनों पॉइंट
एक ही लाइन के ऊपर है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो तीनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर कहीं है। तो हम लोग ये जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा उसका यूज करके इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, बताओ। यस, संबोधि ने आंसर किया है थ्री पॉइंट्स विल बी नो विल बी ऑन सेम लाइन। सही है, ये तो मुझे समझ में आया। विल नॉट फॉर्म ट्राइंगल, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ट्राइंगल अगर फॉर्म करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, तीनों लाइन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग होना चाहिए, एक लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? अगर यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। यस एनी वन, यू कैन ऑन योर माइक व्हाइल आंसरिंग। कमेंट पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। Will not form triangle, area will be zero. Yes, Akash ने सही आंसर किया है। देखो यहाँ पे अगर ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एरिया क्या होता है ये आपको समझ में आता है। एरिया मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझको? एरिया अगर मैं बोलूँ तो स्पेस ऑक्यूपाइड। यस, आकाश ने यहाँ पे आंसर किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज अगर मेरे पास में रेक्टेंगल है सर्कल है तो वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ना। जैसे अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये ट्राइंगल ने ये जो बीच वाला एरिया है इसको ऑक्यूपाई किया है ना। बट यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो लाइन ने किसी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है क्या? यस बताओ, जो लाइन हमने ड्रॉ की है क्या वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? नो। यस, आपने जो आंसर किया बिल्कुल सही है कि जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो कुछ भी एरिया को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। और ऐसी कंडीशन में इसके एरिया को मैं जीरो ले सकता हूँ। फिर समझ में आ रहा है आपको मैं एरिया को जीरो क्यों ले रहा हूँ? समझ में आया सभी को? क्योंकि वो एक लाइन है तो लाइन जो है वो कुछ भी एरिया वहां पे ऑक्यूपाई नहीं करेगी। और इसीलिए मैं एरिया और ट्राइंगल का अगर फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ तो एरिया और ट्राइंगल के फॉर्मूले में जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, है ना। तो वही हमको यहाँ पे यूज करना है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ उसको सॉल्व करता हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास था हाफ इन ब्रैकेट एक्स वन, फॉर्मूले को हर बार लिखते जाओ क्योंकि जितनी बार लिखोगे उससे आपको लर्न हो जाएगा। वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, इस तरह से हमने फॉर्मूले को लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को कुछ नेमिंग कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था तीन पॉइंट हमारे पास में है x1 y1, इस तरह से ये लिख देंगे। छोटी सी आदत आप लगा लो, इसको पेंसिल से भी लिख के रख सकते हो, जिससे क्या होगा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा पेपर सॉल्व करते समय, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, इस तरह से मैंने उसको नेमिंग कर दिया है। अभी वहां से आपको सिंपली करना क्या है, पॉइंट्स को उठाओ और फॉर्मूले में पुट करो, जिससे आपको काफी इजी वे में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है x1, तो x1 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 2, देन y2, y2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y2 की वैल्यू जो कि k है माइनस y3 की वैल्यू जो कि माइनस 3 है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3, देन x2, x2 है मेरे पास 4, देन y3 है माइनस 3 माइनस y1, y1 है प्लस 3, देन x3, x3 की वैल्यू है 6, देन y1 है मेरे पास 3 माइनस y2 है मेरे पास में k, ठीक है। और ये सभी वैल्यू है उसको इक्वेट करनी है किसके साथ में, 0 के साथ, क्योंकि हमने देखा है अगर कोई लाइन है तो लाइन का एरिया हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, अभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको 0 मतलब 0 के साथ उसको इक्वेट करके k की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कर पाओगे क्या, करके दिखाओ क्या आंसर आता है k का? एनसीईआरटी की बुक से देख के आंसर मत बताओ, जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप खुद सॉल्व करके देखो, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करो k की वैल्यू क्या आती है। अगर किसी को भी दिक्कत है उसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने में तो वो मुझे बता सकता है, मैं उनके लिए अलग से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपने मन से सॉल्व करके देखने की कोशिश जरूर करो। करो सर, वहाँ पे k की वैल्यू क्या आती है बताओ मुझको। यस, k इज इक्वल टू जीरो। यस बिल्कुल सही है।
सभी का आंसर जीरो ही आ रहा है, वेरी गुड, सभी का आंसर जीरो आ रहा है, मतलब आपका बिल्कुल सही है। तो यही के की वैल्यू आप जीरो इस क्वेश्चन में डाल के भी देख सकते हो, के की वैल्यू जीरो डालने पे आप देखना आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो आंसर आएगा वो भी बराबर जीरो ही आएगा। वही के की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करके देखो, मतलब के की जगह पे जीरो डाल के देखो, आपका जो आंसर आएगा वो बराबर जीरो ही आएगा, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने आप आपको वहां पे जीरो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी एक और टाइप है जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो है एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने रजिस्टर में इसको नोट आउट कर लेना, इस न्यूमेरिकल को। अभी हम लोग एक्सरसाइज का पहले जो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ लिया है, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है उसने ए बी सी डी करके, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल अपने मन से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी एंड डी, इसके हमको कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5, 7, देन बी के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं -4, -5, सी के कोऑर्डिनेट है -1, -6 एंड देन डी के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 5। और उसने बोला है कि इसका एरिया आप निकाल के दिखाओ इस कोऑर्डिनेटर का। तो कोई मुझको बता सकता है इसका एरिया कैसे निकाल पाओगे आप? हमारे पास तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला ही नहीं है, हमको तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मालूम है, फिर इसको कैसे निकालोगे? यस एनीवन? उसने बोला है क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालो, जबकि हमको फॉर्मूला जो पता है वो ट्रायंगल के एरिया का है, तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैसे निकाल पाओगे? यस, कार्य ने आंसर किया है यूजिंग कंस्ट्रक्शन फॉर्म ए ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन करके एक ट्राइंगल फॉर्म करो, आकांक्षा बोल रही है टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करो। यस वेरी गुड, आपने जो आंसर किया बिल्कुल सही है। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का है। और आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्राइंगल्स में इजिली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे डीबी को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरे पास ऊपर एक ट्राइंगल बन जाएगा और नीचे भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया जिसका नाम है एडीबी, है ना, और नीचे एक ट्राइंगल बन गया है बीसीडी करके, ठीक है। यस वेरी गुड, जो आंसर किया बिल्कुल सही है। क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल, आप एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो हमने वही किया है, एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया। और अभी हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, उसी फॉर्मूले से हम सेपरेटली दोनों का भी एरिया निकाल देंगे। देखो करके देखते हैं, पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। एडीबी का एरिया आपको पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो एडीबी का एरिया निकालते समय आपके जो एक्स वन है, वाई वन है, एक्स टू है, वाई टू है, उसके बाद एक्स थ्री है, वाई थ्री है, वो कौन बन जाएंगे? इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ही आपके एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री बन जाएंगे। इस चीज पे आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाला सॉल्व करते समय आपके एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री वाले पॉइंट्स बदल जाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। तो फिर से एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उस हिसाब से आप मुझे बता दीजिए अभी क्या क्या लिखना है। माइक ऑन कर लो कोई भी एक। सबसे पहले हमको चाहिए x1, तो इसने x1 की जगह पे क्या बताया हमको? -5, बिल्कुल सही है। y2 -5, y2 है -5, -5, y3 हमारे पास 5, ठीक है। तो -5, -5 सही है। प्लस x2, x2 की वैल्यू है -4, देन y3 मतलब 5, -7, बिल्कुल सही है। उसके बाद x3, x3 की वैल्यू है हमारे पास 4, देन y1 है 7 माइनस
माइनस तो माइनस माइनस हो गया प्लस फाइव, बिल्कुल सही है। बताओ अभी इसका आंसर क्या आ रहा है, करो सॉल्व। ट्राइंगल एडीबी का एरिया क्या आ रहा है बताओ, करेक्ट है, यस वेरी गुड। आंसर बताओ उसका क्या आता है, करके देखो, यस कितना आ रहा है, फिफ्टी थ्री स्क्वायर यूनिट, यस बिल्कुल सही है आपका आंसर, 53 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप एरिया निकाल लोगे ट्राइंगल एडीबी का, और सेम इसी तरह से आपको एरिया निकालना है उसके बाद ट्राइंगल बीडीसी का, ठीक है, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी। अभी आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि हमने जब एडीबी का एरिया निकाला था उस समय एडीबी यही पॉइंट्स लिए थे, मतलब उसके ही कोऑर्डिनेट्स यूज किए थे, तो उनको हमने नेम दिया था x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। बट अभी हम जो कोऑर्डिनेट्स यूज करने वाले हैं उनको ही आप x1 y1, x2 y2, x3 y3 दे दो। जैसे BDC है मेरे पास, तो B वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ x1 y1, D वाले को बोल देता हूँ x2 y2, और C को बोल देता हूँ x3 y3। समझ में आ रहा है आपको, तो आप जो भी ट्राइंगल लोगे उसके हिसाब से आपके x1 y1 बदल जाएंगे। सिर्फ यही चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, उसके अलावा बाकी बहुत ही सिंपल है, इजीली आप लोग इसको भी सॉल्व कर लोगे। ये समझ में आ गया आपको मैंने कैसे किया है, यस और नो? यस, हाँ यस, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो हमको जो जो ट्रायंगल का एरिया निकालना है उस हिसाब से उसके एबीसी के पॉइंट बदल जाएंगे, मतलब x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आपका अलग अलग रहेगा हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालते समय। इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करके देखना, आपका जो एरिया आएगा वो आएगा 19 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। दूसरे क्लास का आपका टाइम हो चुका है तो हम लोग इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, आप वापस इसको सॉल्व कर लेना, जगह छोड़ देना उतनी, जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 19 स्क्वायर यूनिट दूसरे ट्रायंगल के लिए, मतलब ट्रायंगल बीडीसी के लिए। और एंड में आपको करना क्या है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, तो यहां पे करोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या करना पड़ेगा हमको लास्ट में, एरिया को कैसे निकालोगे बताओ, एड बोथ वैल्यूज, वेरी गुड। आपको करना क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के एरिया को आपको एड कर दो, मतलब 53 स्क्वायर यूनिट प्लस 19 स्क्वायर यूनिट, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी 72 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर वहां पे निकल के आना चाहिए। समझ में आया क्या आपको क्वेश्चन, किसी को डाउट है, तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है आपको, नहीं, वेरी गुड। तो आपको करना क्या है अभी, हाँ जो आपको मैंने अभी समझाया इसका यूज करके आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 7.3 को ट्राई करके देखो घर पे, ठीक है, और 7.3 को सॉल्व करते समय अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ओके।